फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ये सोचा है कि कैसा होता अगर दिन और रात एक ही साथ, एक ही जगह और एक ही वक्त पर होते? सुनने में किसी जादू की तरह लगता है, या फिर जो होमवर्क आप बचपन से ही करते आ रहे हैं उस होमवर्क की शुरुआत किस जालिम ने की थी। आज आप ऐसे ही कुछ ऑसम फैक्ट से रूबरू होंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगले टॉपिक पर आप कौन सी वीडियो चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ये सोचा है, काश कोई ऐसी जगह होती जहाँ दिन और रात एक ही साथ, एक ही जगह और एक ही वक्त पर होते हैं, जहाँ सूरज और चांद का एक ही साथ उगना होता और एक ही साथ ढलना होता, बिल्कुल किसी शायर की गजल की तरह। तो हाँ, मैं आपको बता दूं, ऐसी जगह वाकई में एग्जिस्ट करती है जो कि अंटार्कटिका में है। आप वहां पर दिन और रात को, उजाले और अंधेरे को एक ही साथ मिलते हुए देख सकते हैं, और जो लाइन उसे सेपरेट करती है उसे टर्मिनेटर कहते हैं, और उसका नजारा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल ऐसा हमारी अर्थ की स्फेरिकल या एलिप्टिकल शेप की वजह से होता है, क्योंकि हमारी अर्थ 360 डिग्री रोटेट करती है। अगर आपको ये फैक्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप सब पहचान ही गए होंगे इस ग्रेट बैट्समैन को, और आपको यही पता होगा कि क्रिस गेल किस टीम की तरफ से खेलते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, क्रिस गेल वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलते हैं। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होने वाली है कि वेस्ट इंडीज जैसी कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती इस पूरे अर्थ पर। दरअसल वेस्ट इंडीज कुछ अलग अलग कैरेबियन देशों का समूह है, ये कोई एक देश नहीं है, जिसमें आइसलैंड्स ऑफ क्यूबा एंड जमैका ऐसे कई और भी देश शामिल हैं। और जानने के लिए हमारे वीडियो को जरूर पूरा देखिए और इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट टीचर का अवार्ड किसे मिला हुआ है, और ये टीचर्स वर्ल्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टीचर का अवार्ड पीटर तबीची नाम के इंसान को मिला हुआ है, एंड टीचर्स का फुल फॉर्म होता है टैलेंटेड, एक्सीलेंट, अडोरेबल, चार्मिंग, हम्बल, इनकरेजिंग एंड रिस्पॉन्सिबल। एंड अ बोनस फैक्ट इज कि वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि इंडियन नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। सो फ्रेंड्स, जिस स्कूल में आपने अपने बचपन के कीमती 16 साल से भी ज्यादा बिता दिए, बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज और बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाए, उस स्कूल वर्ल्ड का मतलब आपको पता है, उसका फुल फॉर्म आपको पता है? अगर आपको नहीं पता तो फिकर नॉट, चलिए जानते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है। दरअसल स्कूल का फुल फॉर्म बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन स्कूल के कुछ मेन फुल फॉर्म्स हैं जो कि ये हैं, स्टडी सेंटर हाउस ऑफ ऑर्गेनाइज लर्निंग, या फिर सिंसियरिटी, कैपेसिटी, ऑनेस्टी, ऑर्डरलीनेस, ओबीडियंस एंड लर्निंग। पर जो भी हो, स्कूल की यादें बहुत खास होती हैं और उनसे खास यादें बना पाना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। सो फ्रेंड्स, हम लोग टीचर्स की बात कर ही रहे हैं, तो क्या आपको ये बात पता है कि होमवर्क देने का जुल्म कब से और किसने शुरू किया था? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जुल्म 1905 से ही शुरू हो चुका था, 1905 से ही शुरू हो चुका था, और इस जुल्म को शुरू करने वाले का नाम था रॉबर्टो नेवलिस। ये इटली के वेनिस शहर में रहने वाले इंसान थे, इनके पास कोई और काम शायद नहीं था, तो उन्होंने बच्चों से बदला लेने के लिए ये होमवर्क ईजाद कर दिया। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का आखिरी फैक्ट खत्म हो चुका है, लेकिन अब बारी है हमारे बोनस क्वेश्चन की, जिसका जवाब आपको हमारी अगली वीडियो मिलेगा, लेकिन आप उसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा, और जो सबसे पहले आंसर बताएगा उसका नेम एंड कमेंट मैं आप सबको अपनी अगली वीडियो में जरूर दिखाऊंगा, वो भी स्टार्टिंग में। तो हमारा आज का बोनस क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन सबट्रैक्ट 10 फ्रॉम 100? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन सबट्रैक्ट 10 फ्रॉम 100? तो चलिए मेरे जीनियसेस, मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।